start then. Assertion, reason, question. Write down first question. Assertion. In a simple electrical circuit, the point of lowest potential is the positive terminal of battery. वो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है लोएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट होता है. रीजन, द करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर. रीजन, करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर. सो व्हाट डू यू से वेदर असर्शन इज राइट और रॉन्ग. असर्शन इज ट्रू और फॉल्स. यस, बताइए असर्शन इज ट्रू और फॉल्स. तुषार, व्हाट डू यू से? यस तुषार. मैम फॉल्स. हाँ, ये असर्शन फॉल्स है. पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है लोएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट नहीं होता, हाईएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट होता है. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स लो पोटेंशियल. और रीजन करेक्ट है क्या? करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर. Is it correct statement, Yashika? Yashika, is it correct? Yashika, is it correct? Reason is correct or not? That current flow is due to electron drift in a conductor. Yes, it is correct. So, aapki assertion false hai, reason true hai. That means answer is D. Assertion false, reason true, answer is D part. Next question likhiye. Find the true statement. A part, Ohm's law is applicable to all conductors of electricity. Ye question to humne kal hi kiya hai ki iski kuch limitations hai, non-ohmic conductor ko applicable nahi hota. B hai, in an electrolyte solution इलेक्ट्रिक करंट इज मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये भी रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की मूवमेंट होती है. सी, रेजिस्टेंस ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप इज लेसर व्हेन द लैंप इज स्विच्ड ऑन. जब हम लैंप को स्विच ऑन करते हैं तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, कम नहीं होता. ठीक है, और डी है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर. कार्बन क्या है, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? कार्बन इज इंसुलेटर और कंडक्टर. यस, व्हाट डू यू से? इंसुलेटर. तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर के साथ कम होता है. कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑन टेम्परेचर. तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपका डी पार्ट करेक्ट है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर. ओके फाइन, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन. अ मीटर ब्रिज कैन हैव अ वायर ऑफ एनी लेंथ. असर्शन है एंड रीजन है, ग्रेटर द लेंथ ऑफ वायर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज. सो व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दिस? पहले ये बताइए असर्शन करेक्ट है? मीटर ब्रिज की कोई भी लेंथ की वायर हो सकती है, वन मीटर ही हो सकती है. तो असर्शन ही रॉन्ग है, आपका डी आंसर आ गया. नहीं, वो भी चेक करते हैं रीजन. ग्रेटर द लेंथ ऑफ वायर ग्रेटर इज एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज. हाँ, ये तो ठीक है कि ग्रेटर अगर जितनी होती है वैसे तो एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर में देखा है. ठीक है, बट मीटर ब्रिज में आपकी असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है. तो इसलिए ये आपका डी पार्ट ही आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट असर्शन है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टिविटी डबल्स. रीजन, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, करंट इन अ वायर इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द वायर. करंट इन अ वायर इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द वायर. चलिए पहले बताइए असर्शन इज करेक्ट और नॉट. वेदर गलत है. हाँ, गलत है क्योंकि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं टू डबल इट्स लेंथ रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस. रेजिस्टिविटी सेम रहती है, उन्होंने कहा कि डबल हो जाएगी. तो आपके असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है कि यस आर इज इक्वल टू. एक्सप्लेनेशन नहीं है. हाँ जी,
रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं। हाँ तो आपका डी पार्ट हो गया इसका कि असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ठीक है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था। यस जब करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर खुद उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल ही रहता। रीजन अ कंडक्टर कैरिंग करंट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो क्या रीजन करेक्ट है? नहीं, रीजन फॉल्स है। तो आपका आंसर हो गया सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ठीक है यहाँ पे असर्शन ट्रू है एंड रीजन इज फॉल्स। ऑल राइट नेक्स्ट देखिए असर्शन। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट्स। पहले ये बताओ ये करेक्ट है असर्शन कि जो वर्क डन होता है इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? यस इंडिपेंडेंट ही होता है। वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इन मूविंग अ चार्ज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ पाथ फॉलोज। रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। रीजन ट्रू है क्या? गलत गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका असर्शन। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया था ये कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस असर्शन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट पोटेंशियल मस्ट ऑल्सो बी जीरो एट दैट पॉइंट। बताओ ये ठीक है? पहले इफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो पोटेंशियल मस्ट ऑल्सो बी जीरो, इज इट करेक्ट? यस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो पुट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज जीरो दैट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे जितनी वैल्यू है उतनी ही रहेगी। तो असर्शन आपकी फॉल्स है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ये फॉर्मूला दिया हुआ है मतलब कि रीजन आपका करेक्ट है। असर्शन इज रॉन्ग रीजन इज ट्रू। तो आपका ये हो गया डी पार्ट। ठीक है तो इसका आंसर है डी। यस मैम अगर हम वो v equal to ed वाला फॉर्मूला लगाएं equal to V equals to ED वाला, हाँ जी वही बात है। उसमें E अगर जीरो पुट कर दे तो फिर वो V जीरो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 वैसे नहीं कर सकते। आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। वो तो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन है। उससे तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। अगर आप डी पुट करोगे तो ही जीरो हो जाएगा, वी पुट करोगे तो ही जीरो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है तो इस केस में आपका ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला ही लगेगा जब वेरी करता है, वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट है असर्शन। इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन द सेम। पहले ये बताइए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। सिंपल पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम के बॉब को हमने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल इट वेरी और इट विल रिमेन द सेम। उन्होंने कहा इट विल रिमेन द सेम। रीजन सुन लो। चलो इफ अ बॉब इज चार्ज्ड एंड केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टाइम पीरियड विल डिक्रीज। पहले में कह रहे हैं कि टाइम पीरियड सेम रहेगा, दूसरे में कह रहे हैं टाइम पीरियड डिक्रीज होगा।
अब आप बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट आउट ऑफ दिस, एनी आइडिया अबाउट इट? टाइम पीरियड को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? टाइम पीरियड को और सिंपल रैंडम को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहले तो वो रिलेशनशिप ढूंढिए, उसके बेस yes, ma'am. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हाँ बताओ फिर गितेश. हाँ गितेश बताओ. मैम वो टाइम पीरियड होता है मैम 2π√iPe शायद होता है. हाँ जैसे मैग्नेटिक के केस में, मैग्नेटिज्म के केस में 2π√iMb होता है ना, ठीक है. तो यहाँ पे कितना होता है, एमबी की जगह आपका पीई आ जाएगा. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के प्लेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक भी लगे, ये हो गया, ठीक है. तो अब इसको यूज करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? टाइम पीरियड उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कॉन्स्टेंट है, ये उस पर डिपेंड तो करता है, बट क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपका सेम रहेगा. तो आपकी असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स. तो इसलिए आपका आंसर हो गया सी. ठीक है, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हेयर, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म हेयर, दे आर नॉट सेइंग कि वो वेरी कर रहा है, तो टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा फिर ऑसिलेशन का. ठीक है, डाइपोल मोमेंट तो सेम ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई. असर्शन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन. पहले ये बताओ इज इट करेक्ट, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल हैव यस बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन, क्योंकि अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगे. यूनिफॉर्म फील्ड में तो दोनों साइड पे इक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो इसलिए नेट फोर्स जीरो होता है, टॉर्क एक्ट करती है, पीई साइन थीटा. बट व्हेन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क भी एक्ट करती है, फोर्स भी एक्ट करता है, तो रोटेटरी मोशन भी होती है, लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है. रीजन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क. Yes, ma'am. Yes. और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रही है, उसका रीजन भी है. ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर है ए पार्ट. राइट, पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर था? उसमें आपका असर्शन ट्रू थी, रीजन फॉल्स था, तो सी था कि टाइम पीरियड सेम रहता है, और रीजन था कि टाइम पीरियड डिक्रीज होता है. तो असर्शन ट्रू थी, रीजन फॉल्स था, तो आपका आंसर था सी. इसमें आपका आंसर ए. ठीक है, हियर योर आंसर इज ए. नाउ लेट अस डू अ केस स्टडी क्वेश्चन. पैराग्राफ सुन लो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और शेप ऑफ एनक्लोज सर्फेस. गॉसेस थ्योरम गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस एस एंड चार्ज क्यू एनक्लोज विद इन इट. इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सर्फेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. मैथमेटिकली इंटेग्रल ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता ही है. Gauss's theorem is quite useful in calculating electric field in problems where it is possible to choose a closed surface such that electric field E has a normal component which is either zero or has a single fixed value at every point on the surface. Symmetry considerations in many problems make the applications of Gauss's theorem much easier. The closed surface we choose to solve a given problem is called Gaussian surface. Gauss's theorem is based on inverse square dependence on distance contained in Coulomb's law. Any violation of Gauss's theorem will reflect a deviation from the inverse square law. Gauss's law is an alternative to Coulomb's law in calculating electric field. Ab questions hain, SI unit of electric flux is, options are Newton meter square per Coulomb,
न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ ए पार्ट है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि क्या फॉर्मूला है फ्लक्स का? फील्ड इनटू एरिया, फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका एक और यूनिट है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज वन मोर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वन मोर यूनिट ऑफ फ्लक्स कौन बताएगा? मैम वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है, न्यूटन पर कूलम। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट इनटू मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ फ्लक्स इज जीरो इनसाइड अ गॉशियन सरफेस, इट मींस देयर इज, ऑप्शंस आर नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉशियन सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉशियन सरफेस, ठीक है, uniform electric field inside the Gaussian surface, discontinuous field inside the surface, some charge present inside the Gaussian surface. तो अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है? चार्ज नहीं है उसमें, चार्ज नहीं। अगर फ्लक्स जीरो नहीं है ना तो क्योंकि क्योंकि क्यों इनक्लोज जीरो हो जाएगा ना फिर? तो हाँ कह सकते हो आप ए पार्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉशियन सरफेस, ये कैसे आया? गॉशियन थ्योरम में वैल्यू पुट कर दो, उन्होंने कहा है कि ये जो फ्लक्स होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर फ्लक्स जीरो है तो व्हाट विल हैपन? चार्ज विल बिकम जीरो। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट no charge present inside the Gaussian surface. Third question है, if for a given Gaussian surface integral E dot ds is zero, it means that options are electric field is necessarily zero on the surface, B part flux through the surface is positive, C part total flux through the surface is zero, D part the flux through the surface is negative. क्या आएगा? मैम फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स जीरो, अगर उन्होंने बोला है कि इंटेग्रल ई डॉट डीएस जीरो है, तो इंटेग्रल ई डॉट डीएस तो फ्लक्स ही होता है ना, तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो है, तो सी पार्ट आएगा आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका, आपको एक सरफेस दिया हुआ है, सरफेस ए एंड दिस इज सरफेस बी, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रीजन ए इज, इस रीजन की टोटल फ्लक्स क्या है? ऑप्शंस आर Phi is equal to Q1 plus Q2 by epsilon naught. Phi is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by epsilon naught. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 by epsilon naught. None of these. None of these. मैम बी ऑप्शन। हाँ जी बी, बी ऑप्शन कैसे? मैम चार्ज इनक्लोज उसके अंदर सरफेस के जो होगा वही निकालेंगे ना, तो उसके अंदर सरफेस के अंदर तो तीनों चार्ज नहीं आ रहे। हाँ तो वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो अंदर चार्जेस हैं ये सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, बट ऑलरेडी उसके सरफेस पे Q4 और Q5 भी है, उसका क्या करोगे? वो मैम वो क्लोज
क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लेते होते हैं ना इस फॉर्मूले में, क्यू इन क्लोज एप्सिलॉन नॉट. यस वेरी गुड. तो इसका आंसर है आपका बी पार्ट, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ओवर एप्सिलॉन. तो जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है वही आ जाएगा उसका, वही उससे रिलेटेड होगा. ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, दैट गॉज़स थ्योरम स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसके 1/ε0 टाइम्स है फ्लक्स, उसके इक्वल. तो हमने चार्ज एनक्लोज्ड देख लेना है, वो है क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री. फिफ्थ क्वेश्चन है, a charge q is first kept inside a hollow sphere of radius 5 cm and then it is kept inside a hollow cube of side 5 cm. Options are the flux will be more in case of hollow sphere, will be more in case of hollow cube, will be same in both the cases, and d part none of these. kya aayega iska answer? एक चार्ज है, उसको पहले हमने हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर के अंदर रख दिया, फिर उसको हॉलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर के अंदर रख दिया. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किस केस में ज्यादा होगी, कम होगी या सेम होगी, दोनों केस में बताइए. सेम होगी मैम, चार्ज एक ही है तो फ्लक्स भी सेम होगा. वेरी गुड, क्योंकि देखो पैराग्राफ में ही उन्होंने सेकेंड लाइन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और शेप of enclosed surface. तो ये closed होना चाहिए, surface की shape कोई भी हो, तो ये उसके size और shape पे depend नहीं करती है. तो चाहे वो cube हो या वो sphere हो, तो अगर आपकी flux है तो वो same ही रहेगी. ठीक है, so this was a good case study question based on electric flux. ठीक है बच्चे, numericals की practice कर रहे हो साथ साथ कि नहीं कर रहे हो? न्यूमेरिकल्स हम करते हैं कल. ठीक है, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे. और असर्शन रीजन आई थिंक हमने काफी कर लिए हैं. चलो एक केस स्टडी और सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सैनिटाइजेशन मेथड. देखो कुछ नया है, वी आर डीलिंग विद प्रोबेबली द वर्स्ट पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी. टू प्रोवाइड इफेक्टिव सैनिटाइजेशन ऑफ सर्फेसेस, अ स्टडी वॉज मेड टू मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स to quickly and easily provide superior coverage of sanitizing solution. This relies on the principle of charging and atomizing the solution before being sprayed on the suspected surfaces. The charged particles are attracted to the surface with a force much stronger than the force of gravity, as the force acting among the particles are electrostatics. This ensures uniform coating of sanitizing solution, including those areas where conventional sprays normally miss. For fighting germs, almost no surface part goes untreated. Spray is charged by a high voltage supercharger. The droplets are given a negative charge. These droplets get attracted by the ground objects, which is given a positive charge. A charged droplet close to a grounded target is pulled faster than an uncharged droplet. Ab questions are, first hai, the strength of electrostatic force is greater than that of gravitational force by, options are 10^29 times, 10^39 times, 10^19 times, or 10^9 times. Bataiye kya answer aayega. Aapne forces ki strength ko compare kiya tha na, फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था, तो बताइए क्या आएगा. याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 10^36 होती है, 10^36 तो है ही नहीं है ऑप्शन में. ये देखो ऐसे था ना आपका, इसकी अगर मान लें ये 10^-38 था, ये 10^-2 था, ये -13. ठीक है, तो हमने कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल को. हाँ तो 10^36 ही बनता है, मुझे लगता है मिसप्रिंट है, बी ऑप्शन 10^39 लिखी हुई है इन्होंने, 10^36 होनी चाहिए.
तो यस इट इज 10^36 टाइम्स. सेकंड है द ग्रेडेड ऑब्जेक्ट. ग्रेडेड मतलब जहां पे चार्ज वेरी कर रहे हैं. द ग्रेडेड ऑब्जेक्ट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रे ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑप्शंस आर ए द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर रिपेल्ड टू गो डीपर. बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर एमिटेड. सी ऑफ सेकेंडरी एमिशन. बी नन ऑफ दीस. क्या आएगा? जो ग्रेडेड ऑब्जेक्ट है वो कहते हैं जब नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो ग्रेडेड ऑब्जेक्ट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. बाय क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर रिपेल्ड टू गो डीपर. ठीक है, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल होके डीप चले जाते हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता. गॉट इट? नेगेटिवली चार्ज स्प्रे है तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो डीप चले गए रिपेल होके, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गए तो ठीक है. तो इसलिए ग्रेडेड ऑब्जेक्ट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. ओके, थर्ड क्वेश्चन है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज हॉलो कंडक्टर लाइक सरफेस ड्यू टू. ऑप्शंस आर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट. बी कंबाइनिंग ऑफ स्प्रेड चार्ज ड्रॉपलेट्स. सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीस. उन्होंने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड होलो कंडक्टर लाइक सरफेस. मतलब होलो कंडक्टर लाइक चार्ज सरफेस बन जाएगा जिस पे भी आप स्प्रे कर रहे हो. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये बोथ ए एंड बी दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी यही होगा. यू हैव टू थिंक. एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है उसमें. ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा. इसका आंसर है कंबाइनिंग. हाँ जी बोलो. ड्रॉपलेट्स वाला क्या पॉइंट है? कंबाइनिंग ऑफ स्प्रेड चार्ज ड्रॉपलेट्स, यही है इसका आंसर. तो होलो चार्ज कंडक्टर टाइप सरफेस क्यों बन जाएगा? बिकॉज ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्प्रेड चार्ज ड्रॉपलेट्स. यही इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है पैराग्राफ में. ठीक है, जो स्प्रेड चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर उन्होंने लिखा ना दीज ड्रॉपलेट्स गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्राउंड ऑब्जेक्ट व्हिच इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज. अ चार्ज ड्रॉपलेट क्लोज टू ग्राउंडेड टारगेट इज पुल्ड फास्टर देन एन अनचार्ज ड्रॉपलेट. तो ये आएगा कंबाइनिंग ऑफ स्प्रेड चार्ज ड्रॉपलेट्स, वो जब कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका. द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर मेक्स द डिसइंफेक्टेंट. Options are quickly detached from the entire surface, wrap around the entire surface, cling to the entire surface, both B and C. क्या है? Both B and C. Wrap around the entire surface आएगा इसका. Electrostatic sprayer makes the disinfectant wrap around the entire surface. ये देखो पैराग्राफ में से ही आपको मिलेगा ये. मैम क्लिंग का मतलब क्या होता है? रैप नहीं होता क्लिंग का मतलब? ये रैप नहीं होता क्लिंग का मतलब है कि उसके साथ स्टिक कर जाएगा. क्लिंग का मतलब है वो चिपक जाएगा. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट चार्ज इज गिवन टू द ड्रॉपलेट्स. पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल नन ऑफ दीज. उन्होंने बताया ही है कि ड्रॉप्स नेगेटिवली चार्ज तो इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो ड्रॉप्स आर नेगेटिवली चार्ज. इसका बी पार्ट करेक्ट है. राइट, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? देख लीजिए इन क्वेश्चंस में अब असर्शन रीजन की आई होप काफी प्रैक्टिस हो गई है तो अब करना पड़ेगा जो भी करना है आपको, है ना.